नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको आई की एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे पिंगिक्वेला कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पिंगिक्वेला क्या होता है, पिंगिक्वेला क्यों होता है, एक पिंगिक्वेला पेशेंट में क्या सिम्टम्स होते हैं, एक पिंगिक्वेला पेशेंट में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए समझते हैं कि पिंगिक्वेला क्या होता है। तो जो पिंगिक्वेला होता है वह आई की एक कॉमन डिजीज़ होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यह आई बोन का एक स्ट्रक्चर है और यह कॉर्निया है और कॉर्निया से 2 mm दूर एक लिम्बस जोन होता है। तो वहाँ पे जो बल्बर कंजंक्टिवा होती है उस बल्बर कंजंक्टिवा के ऊपर एक गांठ बन जाती है जो कि एक ट्राई एंगुलर शेप में होती है और येलो कलर की होती है, जिसे कि पिंगिक्वेला कहते हैं। तो जो पिंगिक्वेला है वह एक कॉमन डिजीज होती है और इसका विजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब आगे समझते हैं कि पिंगिक्वेला क्यों होता है। तो जो पेशेंट हीट वेव में या फिर डस्टी एरिया में या फिर सनलाइट के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं या फिर किसी पेशेंट में आँख से संबंधित कोई एलर्जी है तो उस पेशेंट में पिंगिक्वेला ज़्यादा देखा गया है। तो जो पिंगिक्वेला है वह बायलेटरल भी हो सकता है, यानी कि दोनों आँखों में भी एक साथ हो सकता है। तो अब आगे समझते हैं कि एक पिंगिक्वेला पेशेंट में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो एक पिंगिक्वेला पेशेंट में पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी आँख में फॉरन बॉडी सेंसेशन है या फिर इचिंग है, बर्निंग है, रेडनेस है, वाटरिंग है। तो एक पिंगिक्वेला पेशेंट यह सब कंप्लेन कर सकता है। तो अब आगे समझते हैं कि एक पिंगिक्वेला पेशेंट में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी उसको ड्रॉप दी जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन ड्रॉप्स का यूज़ आप सीधे न करें, आप डॉक्टर की देख रेख में ही इन ड्रॉप का यूज़ करें। तो वैसे तो पिंगिक्वेला पेशेंट में आई ड्रॉप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट कंप्लेन करे कि उसकी आँख में फॉरन बॉडी सेंसेशन है, बर्निंग है, इचिंग है, वाटरिंग है या फिर रेडनेस है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को आई ड्रॉप दी जा सकती है। तो आई ड्रॉप के अंदर उसको स्टेरॉयड दिया जाता है। तो स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जैसे कि टोब्रामाइसिन प्लस फ्लोरामेथालोन आई ड्रॉप या फिर मोक्सीफ्लोक्सासिन लोटेप्रेडनोन आई ड्रॉप। तो इन दोनों में से एक ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। तो जो टोब्रामाइसिन प्लस फ्लोरामेथालोन या फिर मोक्सीफ्लोक्सासिन प्लस लोटेप्रेडनोन, तो इनकी जो डोज है वह दिन में 4 बार डाली जाती है, यानी कि 3-3 घंटे के अंतराल से एक एक बूंद आँख के अंदर डाली जाती है। तो इन स्टेरॉयड आई ड्रॉप के साथ में एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप भी दी जाती है। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप में उस पेशेंट को कार्बोक्सी मेथाइल सोल्यूस आई ड्रॉप दी जाती है, जिसको कि दिन में 3 या फिर 4 बार 3-3 घंटे के अंतराल से एक एक बूंद आँख के अंदर डाली जाती है। तो यह सब ट्रीटमेंट एक पिंगिक्वेला पेशेंट में दिया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।